सबसे आसान एग्जांपल हमेशा रॉड से हम लोग उठाते हैं। अगर मैं सोचो यहाँ पे एक सपोर्ट दे दूँ इस रॉड को एल बाई थ्री लेंथ पे, क्या लगता है ये रॉड ऐसे टिका रहेगा या रोटेट करने लगेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है कि इसके सेंटर ऑफ मास पे एम जी का फोर्स है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये एम जी इसको गिराने वाला टॉर्क दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये रोटेट कर जाएगा। तो चलो, मैंने एक और सपोर्ट दे दिया है, इसको जनरली फलक्रम बोलते हैं। इस फलक्रम के सपोर्ट पे ये रॉड अब दो जगह से टिका है, क्या अब इसको एम जी गिराना तो चाहेगा, मगर यहां से क्योंकि इसको नॉर्मल एक्शन मिल सकता है, वो नॉर्मल एक्शन का एंटी टॉर्क एम जी के क्लॉकवाइज टॉर्क से इस रॉड को गिरने से बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट हम गिरने की टेंडेंसी चेक कर सकते हैं, कोई गिराने वाला होगा, कोई बचाने वाला होगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो होगा। हम ऐसे भी सोच सकते थे कि इस पी पॉइंट की जगह इस एम पॉइंट के अबाउट अगर ये फलक्रम ना होता तो एम जी इसको नीचे की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गिराता, तो कहीं ना कहीं यहां से मिलने वाले नॉर्मल एक्शन ने उसको बचाया होगा। यानी किसी भी पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट गिरने की टेंडेंसी हम देख रहे हैं, उसके अबाउट अगर बॉडी गिरने से बच जा रही है, तो हम एक बात हमेशा कर सकते हैं कि टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पे किए थे, तो एक ही काम करते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के हर जगह फोर्स बैलेंस कराते थे, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो। तो इस तरह के हर क्वेश्चन में हम लोग फोर्स बैलेंस कराते थे। और अब क्या हम कह सकते हैं कि कोई रिजिड बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स तो अब भी जीरो होगा? यानी हम लोग एफ एक्स राइट एफ एक्स लेफ्ट से बैलेंस कराते थे फ्री बॉडी डायग्राम बना के, सारे एफ वाई अप सारे एफ वाई डाउन बैलेंस कराते थे ऊपर और नीचे, या बाहर और अंदर की कभी बात चली नहीं है। अगर ऐसा होता तो एफ जेड इन और एफ जेड आउट वो भी हम बैलेंस कराते, नेट फोर्स जीरो कराते थे। और अब हम रिजिड बॉडी में एक और चीज कराने लगे हैं, दैट इज टाओ नेट वेक्टर इक्वल टू जीरो। एफ नेट वेक्टर जीरो का मतलब ये था, और टाओ नेट वेक्टर जीरो का मतलब है टॉर्क क्लॉकवाइज और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस होगा। अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरी ऑफ लॉज ऑफ मोशन कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या जीरो एक्सेलेरेशन में है तो उस पर फोर्स बैलेंस होते हैं, कोई रिजिड बॉडी अगर रेस्ट पे है तो फोर्स भी बैलेंस होते हैं और साथ ही साथ टॉर्क भी बैलेंस होते हैं। तो अब इस रॉड के लिए मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट जहां गिरने की टेंडेंसी हम सोच पा रहे हैं अबाउट पी, हम लोग टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एक काम कर सकते हैं। दूसरा, इस बॉडी पे फोर्स कौन कौन से हैं? एम जी नीचे है, एन वन एन टू दो जगहों से माना है। जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे पहले रखा होता तो हम लोग एक एन दिखाते थे, वो सारे पॉइंट पे मिलने वाला टोटल नॉर्मल एक्शन होता था। अब नॉर्मल एक्शन हमने दो दिखाए हैं और वो भी रोकने की टेंडेंसी के हिसाब से होगा, यानी वो फोर्स बैलेंसिंग और टॉर्क बैलेंसिंग दोनों के हिसाब से होगा। बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है यानी कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं सारे फोर्स अप वाले सारे डाउन फोर्स के इक्वल होंगे, ये हो गया फोर्स बैलेंसिंग। क्लॉकवाइज टॉर्क पी पॉइंट के अबाउट एम जी दे रहा है तो एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर, एंटी क्लॉकवाइज पी के अबाउट एन टू दे रहा है तो एन टू इंटू आर परपेंडिकुलर। बात आती आर परपेंडिकुलर कितना, तो क्या ये सेंटर ऑफ मास एल बाई टू पे होगा, तो ये लेंथ एल बाई टू माइनस एल बाई थ्री है, और पी पॉइंट के अबाउट ये आर परपेंडिकुलर वो डिस्टेंस एल माइनस एल बाई थ्री माइनस एल बाई फोर होगा। क्या इसको सॉल्व करके हम लोग नॉर्मल एक्शन का आंसर ला सकते हैं? सॉल्व करेंगे तो एन टू का आंसर टू एम जी बाई फाइव आया है, और एक बार एन टू आ गया तो एन टू रख के हम लोग एन वन निकाल सकते हैं, दैट विल बी थ्री एम जी बाई फाइव। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है कि रिजिड बॉडी में हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों की मदद से सारे अननोन निकालने होते हैं। पहले अननोन भी कम होते थे तो इक्वेशन भी कम जरूरत पड़ती थी, अब अननोन बढ़ गए हैं, एन पे हम डिस्टिंक्शन करने लगे हैं तो हमें कंडीशंस भी बढ़ाना पड़ेंगी।
तो अभी दो कंडीशन यूज करना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो एक हिंज और एक धागे के थ्रू हमने दो तरीकों से इस रॉड को रोका है। याद करो थोड़ा देर पहले हमने बात करी थी कि एक रॉड को ऐसे हिंज किया है तो वो एंगुलर एक्सेलेरेशन डेवलप करेगा, यानी ये रोटेट करेगा। अगर मैंने ऐसे धागा बांध दिया है तो ऑब्वियसली अब ये रोटेट नहीं कर पाएगा, इसका रेस्ट में रहना तय है। और जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, यानी उसमें हम फोर्स बैलेंसिंग दिखा सकते हैं और साथ ही साथ टॉर्क बैलेंसिंग दिखा सकते हैं। मैं कहूं इस एम मास एल लेंथ के रॉड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ऑब्वियसली एम जी नीचे होगा। और ये बात हम पहले से जानते हैं कि हिंज से कुछ ना कुछ नॉर्मल एक्शन ऊपर मिल रहा होगा, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन जी के इक्वल नहीं आता, यानी एक नॉर्मल एक्शन ऊपर मिलना तय है। इसके अलावा ये टेंशन आएगा कि नहीं तो हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। अगर केवल हिंज होता तो ये बॉडी रोटेट करती, इसका मतलब टेंशन ने ही उसके रोटेट करने को रोका है, इसका मतलब टेंशन जरूर आएगा। एंगल थीटा दे रखा है, हम टी के दो कॉम्पोनेंट कर सकते हैं, टी कॉस थीटा ऊपर आएगा, टी साइन थीटा लेफ्ट आएगा। और जैसे ही टी साइन थीटा आता है तो एक और ख्याल आता है, क्या रॉड लेफ्ट में एक्सेलेरेट कर सकता है क्या, यहां पे हिंज है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब कोई ना कोई है जो राइट फोर्स जरूर दे रहा होगा। इसका मतलब ये जो एन मैंने दिखाया था हिंज पे, ये अकेला नहीं होगा, एक एन टू भी मिलेगा। एक्चुअली में एन वन एन टू दो ना मिलके इस हिंज पे इसको एक नेट नॉर्मल एक्शन मिलेगा, जिसकी वैल्यू अंडर रूट एन वन स्क्वायर प्लस। लेकिन निकालने के लिए ऐसे सही है कि हम एन एक्स एक्स एक्सिस वाला अलग निकाल लें, वाई वाला अलग निकाल लें, मैथ्स लगाना उसके लिए आसान होगी। तो एक वर्टिकल डिस्कशन वाली इक्वेशन एक हॉरिजॉन्टल डिस्कशन से इक्वेशन आएगी। एन वन एन टू और टी तीन अननोन है, क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के हम एक इक्वेशन और ले आएंगे तो तीन अननोन निकल आएंगे, ट्राई कर सकते हैं। तो बात आती है कि हम किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कराएं। तो जनरली हमें पता है कि जहां से ज्यादा फोर्स पास कर रहे हो वहां से टॉर्क बैलेंसिंग लगाना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इन फोर्सेस के टॉर्क वहां पे जीरो हो जाएंगे। टॉर्क बैलेंसिंग हमेशा वहां से दिखाना समझदारी है जहां से ज्यादा फोर्स पास कर रहे हो, क्योंकि वहां से पास करने वालों का तो टॉर्क जीरो ही हो जाएगा, उसके अलावा कौन बचा? उसके अलावा एम जी बचा, वो क्लॉकवाइज गिराने की कोशिश कर रहा होगा, और टेंशन बचा जो एंटी क्लॉकवाइज बचाने की कोशिश कर रहा होगा। यानी मैं कह सकता हूं पी के अबाउट अगर कोई क्लॉकवाइज टॉर्क देखेगा, दैट इज एम जी इन टू आर परपेंडिकुलर, और एंटी क्लॉकवाइज की बात आएगी तो आएगा क्या हम टी साइन थीटा टी कॉस थीटा में डिवाइड किए हैं, तो क्या टी साइन थीटा भी इसी पी पॉइंट से पास कर रहा है, वो कोई टॉर्क नहीं देगा, बचा केवल टी कॉस थीटा इन टू आर परपेंडिकुलर। ऐसे हम चीजों को सोच सकते हैं, टी साइन थीटा कोई टॉर्क नहीं देगा, टी कॉस थीटा बचाने वाला टॉर्क देगा। तो एम जी इन टू आर परपेंडिकुलर कितना है, सबको दिख रहा है एल बाई टू। टी कॉस थीटा इन टू आर परपेंडिकुलर कितना है, ये ऑब्वियसली पूरा लेंथ ऑफ द रॉड है, यानी एल है। तो यहां से हमें तुरंत टी का आंसर मिल जाएगा। और एक बार टी का आंसर आ गया तो हम लोग यहां रख के एन टू का आंसर निकाल सकते हैं, दैट विल बी। और एक बार एन टू का आंसर आ गया, टी का आंसर आ गया, तो ऑब्वियसली टी का आंसर हम यहां रख के एन वन का आंसर ला सकते हैं। क्या एन वन एन टू और टी तीनों हम यहां से इस तरीके से ला सकते हैं। एम मास एल लेंथ का ये रॉड है, एक रफ सरफेस में रखा है, म्यू का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दीवार स्मूथ है, ऐसे टिकाया गया है। नो डाउट हम लोगों ने कभी सीढ़ी दीवार में टिका के ये जरूर देखा है कि जैसे जैसे हम लोग उसका और ज़्यादा दूर करते जाते हैं तो उसके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। स्पेशली अगर सरफेस स्मूथ है तो उसका गिरना तय ही है, थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन किया तो वो ज़मीन में गिर जाता है। इसका मतलब इस रॉड में कुछ इस तरह से खिसकने की टेंडेंसी है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन अंदर लगेगा जो उसको रोके रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा एंगल कर दिया, ये एंगल बढ़ता चला गया, तो
तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन अपनी लिमिट पास कर जाएगा। फ्रिक्शन की अपनी मैक्सिमम लिमिट पे एंगल क्या है, वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड थीटा जस्ट व्हेन रॉड जस्ट अबाउट टू स्लिप। अभी जस्ट अबाउट टू स्लिप है, इसका मतलब स्लिप किया नहीं है, यानी अभी भी ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है तो हमें फोर्स बैलेंसिंग दिखाना है, साथ ही साथ टॉर्क बैलेंसिंग दिखाना है। दो काम करना है, फोर्स बैलेंसिंग एंड टॉर्क बैलेंसिंग। मैं कहूँ इस रॉड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली mg लगेगा। इस सरफेस से एक नॉर्मल एक्शन ऊपर लगना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गए फोर्स, क्या इसके अलावा कहीं से फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली इस जगह पे अगर ये रॉड टिका हुआ है तो कुछ n2 का नॉर्मल एक्शन राइट लगना चाहिए। इसके अलावा फ्रिक्शन लेफ्ट है, इतने फोर्सेस हमें सीधे सीधे नजर आ रहे हैं जो इस रॉड पे जरूर लगना चाहिए। क्या इसके अलावा अब भी कोई फोर्स है? हमने सारे फोर्स कवर कर लिए हैं, और क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो हम लिख सकते हैं एन वन की वैल्यू एम जी होगी, एन टू की वैल्यू एफ एस मैक्स होगी, और फ्रिक्शन फर्दर हमें पता है फ्रिक्शन म्यू इन टू उस सरफेस का एन होता है, यानी फ्रिक्शन की जगह मैं लिख सकता हूँ म्यू इन टू एन वन। तो हमें एन टू पता चल गया, एन वन पता चल गया। इस पूरे एपिसोड में एंगल तो अभी कहीं आया ही नहीं, और हमें लाना क्या है, एंगल लाना है। तो मैं फिर से एक पॉइंट चूज करता हूँ जिसके अबाउट हमें टॉर्क बैलेंस करना है, और सबसे सुइटेबल पॉइंट ये पी पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर फोर्सेस इससे दो दो फोर्सेस पास कर रहे हैं, फ्रिक्शन भी है एन वन भी है। इसके अलावा एम जी पी पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क देगा गिराने वाला, तो एन टू ने इसको बचाने वाला टॉर्क दिया होगा। इस बार एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर है, और बचाने वाला फोर्स एन टू इंटू समथिंग है। बात आती है वो समथिंग कितना, क्या एम जी के लाइन ऑफ एक्शन से ये आर परपेंडिकुलर है, और ये आर परपेंडिकुलर एल बाई टू लेंथ का कॉस कॉम्पोनेंट है। इसी तरह से एन टू के लाइन ऑफ एक्शन से पी पॉइंट के अबाउट आर परपेंडिकुलर ये होगा, और वो इस पूरी एल लेंथ का, क्या ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये पूरी लेंथ का साइन कॉम्पोनेंट है, ये एल साइन थीटा होगा और ये एल बाई टू कॉस थीटा होगा। हमें दोनों कॉम्पोनेंट पता चल गए हैं। एन टू से हमें एल साइन थीटा मल्टीप्लाई करना है, और एम जी से हमें एल बाई टू कॉस थीटा, और अब थीटा की एंट्री हो चुकी है। थीटा हमें मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एम जी बाई टू एन टू, और एन टू हमें ट्रांसलेशनल डिस्कशन से पता चल चुका है, थीटा के वैल्यू बड़े इजीली 10 थीटा में आ गई है। और अभी अगर कोई इसको थीटा लाना चाहे तो ऐसे लिख सकता है 10 इनवर्स 1 बाई 2 म्यू। अगर मैं इस स्फेयर के लिए, जो कि एक धागे से सेंटर से कनेक्ट किया गया है, अगर मैं सारे फोर्सेस देखूं, धागे में टेंशन लगेगा, सरफेस से नॉर्मल एक्शन मिलेगा, ग्रेविटी की वजह से एम जी मिलेगा, क्या ये सारे फोर्सेस इसके सेंटर से पास कर रहे हैं? और जब एक ही पॉइंट से सारे फोर्स पास करें तो वो एक्चुअली में उसमें रिजिड बॉडी जैसी कोई बात रही नहीं गई, क्योंकि पॉइंट मास में भी सारे फोर्सेस एक पॉइंट मास से पास करते थे, यहां भी सारे फोर्सेस एक पॉइंट मास से पास कर रहे हैं, तो इसको हम रिजिड बॉडी ना सोचें तो भी काम बन सकता है। यानी हमें इन टी और एन का आंसर फॉर गिविन थीटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से भी मिल जाएगा, और हम चाहें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से भी ला सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इस धागे की लेंथ L मान लेता हूं, T और N का आंसर हमें लाना है, और मैं इस बार दिखाऊंगा कि यहां हमें दोनों तरह के इक्विलिब्रियम, यानी ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों तरह के इक्विलिब्रियम लगाने की जरूरत नहीं है, एक तरह के इक्विलिब्रियम लगाने से ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे फोर्सेस सेंटर से पास कर रहे हैं। यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट एक डॉट मास की तरह है, और उस डॉट मास पे N है, T है और mg है। टी के हम कंपोनेंट कर सकते हैं, टी कॉस थीटा एम जी होगा, टी आ गया, एन इक्वल टू टी साइन थीटा है, अगर मैं टी यहाँ रख देता हूँ तो एन आ गया, है सिंपल। यानी हमने यहाँ अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाया ही नहीं, लेकिन कोई कहता नहीं हमें मेहनत ही करना है,
तो मेहनत कर सकता है, मगर आंसर वही आएगा, कोई फायदा नहीं है। मैं किसी एक पॉइंट के अबाउट, मान लिया इस पी पॉइंट के अबाउट, अगर अगर सी के अबाउट टॉर्क बैलेंस करा दिया तो कुछ निकलने वाला नहीं है। पी के अबाउट अगर टॉर्क बैलेंस कराएंगे तो ऑब्वियसली एन, क्योंकि उसी पी पॉइंट से पास कर रहा है, तो केवल दो बचे, एम जी और टी। एम जी का टॉर्क क्लॉक वाइज है, टी का टॉर्क एंटी क्लॉक वाइज है, तो एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर, टी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर, थोड़ा देर के लिए मैं इसका रेडियस आर मान लेता हूं, दैट विल बी आर। टी इंटू आर परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें ऐसे निकालना चाहिए तो बेटर है हम टी के कॉम्पोनेंट कर दें। तो मैंने टी के एक फोर्स के बजाय दो फोर्स दिखा दिए हैं, जिसमें से टी साइन थीटा तो पी से ही पास कर रहा है, तो कौन बचाने वाला टॉर्क दे रहा है, दैट इज टी कॉस थीटा इंटू आर, आर आर कैंसिल, क्या टी का आंसर एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा या एम जी सेक थीटा आ रहा है। ये तो हम पहले ही ला चुके थे फोर्स इक्विलिब्रियम से, टॉर्क बैलेंसिंग दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर कोई एम पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम दिखाएगा तो टी का टॉर्क उस एम पॉइंट के अबाउट कुछ नहीं होगा, फिर केवल दो ही टॉर्क देने वाले हैं, एम जी इस पी पॉइंट के अबाउट, एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस का देगा, और फिर एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क देगा। एम जी का टॉर्क होगा एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर, एम जी के लाइन ऑफ एक्शन से आर परपेंडिकुलर हम दिखा सकते हैं, एल साइन थीटा होगा। नॉर्मल एक्शन का आर परपेंडिकुलर पी एम पॉइंट के अबाउट एल कॉस थीटा होगा, तो हम देखेंगे एल कैंसिल हो रहा है, एन का आंसर एम जी टेन थीटा आ रहा है। यानी हम लोगों ने एक बार फोर्स बैलेंसिंग से सारे आंसर लाए, एक बार टॉर्क बैलेंसिंग से, क्योंकि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास कर रहे थे, तो हम ऐसा कर सकते हैं।